बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 4 डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इसके यू क्यू को डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ दो ही मेन टॉपिक हैं, एक है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और दूसरा डिसनोरिया। इससे पहले कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम लिखे हुए हैं, लाइक जो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आती है ये ए यू बी के अंदर आती है। ए यू बी क्या होता है? एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। और एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के अंदर डिफरेंट ब्लीडिंग आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल के एच एम बी आ जाएगा, एक्सेसिव हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग 80 ml से ज़्यादा हो तो उसको हम एच एम बी के अंदर लेबल करते हैं। आई एम बी हो सकती है, ब्लीडिंग बिटवीन द पीरियड, तो ये एंडोमेट्रियल या सर्विकल पॉलिप की वजह से होती है। पी सी बी, ब्लीडिंग आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो ये होती है सर्विकल अबनॉर्मेलिटीज की वजह से। पी एम बी, ये एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी या वजाइनल एट्रोफी की वजह से होती है। और जो डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है उसको बोलते हैं ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ओरिजन, जिसको डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग भी कहते होते हैं। और यहाँ पर एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के अंदर आपने निमोनिक रट्टा मारना है, वो है पाम कॉइन। पी से पॉलिप होता है जो कि कॉजेज होता है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग का या हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का। ए फॉर एडिनोमायोसिस है, एल फॉर लियोमायोमा फाइब्रॉइड है, एम फॉर मेलिग्नेंसी है कॉइन, सी फॉर कोएगुलोपैथी, ओ फॉर ओविलेटरी डिसऑर्डर लाइक पी सी ओ एस, जिसमें हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है आफ्टर 3 मंथ, एंडोमेट्रियल आइट्रोजेनिक या नॉन क्लासिफाइड डिसऑर्डर, तो ये आ जाते हैं। ओके, क्लियर। ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ओरिजन, ऑलमोस्ट ये हो गया। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यहाँ पे मिसिंग है, जो यहाँ पे डेफिशिएंट है, वो है ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ओरिजन, जिसको बोलते हैं डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग या ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ओरिजन। तो इसमें क्या होगा? इसमें हैवी और प्रोलॉन्ग वजाइनल ब्लीडिंग होगी। नंबर 2, इसमें डिसमेनोरिया भी होगा, यानी जो डिसमेनोरिया के कॉजेज हम पढ़ेंगे ना। डिसमेनोरिया 2 टाइप का होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी होगा। तो जो सेकेंडरी डिसमेनोरिया होगा उसके अंदर आपने ये भी इंक्लूड करना होगा। तो इसमें क्या होगा? नंबर 1, हैवी ब्लीडिंग होगी प्लस डिसमेनोरिया होगा। नंबर 2, ब्लीडिंग की वजह से नीमिया हो जाएगा। नंबर 3, एब्डोमिनो पेल्विक एग्जामिनेशन नॉर्मल होगा, यानी ये डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है। ठीक है, अगर यूट्रस इनलार्ज होती है ना तो आप उसको फाइब्रॉइड के अंदर इंक्लूड करते हैं। ओके, तो हमने मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई है कि एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है, पेल लुकिंग होगी, यूट्रस नॉर्मल होगा ऑलमोस्ट, एग्जामिनेशन भी नॉर्मल होगा, तो ये डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है जिसका कोई कॉज ही नहीं मिला, या ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ओरिजन भी हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अब ट्रीटमेंट के अंदर आ जाते हैं। अगर एन ओव्यूलेटरी डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है, एन ओव्यूलेटरी का मतलब ओव्यूलेशन नहीं हो रही, तो आप इसको 2 में डिवाइड करते हैं। अगर सेक्शुअली एक्टिव नहीं है फीमेल तो साइक्लिकल प्रोजिस्टी, अगर सेक्सुअली एक्टिव है तो COCP या डिपोर्ट मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट इंजेक्शन देते होते हैं। क्लियर, अगर ओव्यूलेटरी है तो उसकी मेडिकल थेरेपी के अंदर एनसेड दोगे, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोगे, एलएनजी आईओएस, ट्राइनेक्सामिक एसिड, जीएनआरएच एगोनिस्ट। जबकि सर्जिकल थेरेपी के अंदर क्या होगा? एंडोमेट्रियल एब्लेशन और हिस्टरेक्टमी। ठीक हो गया, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। दोबारा बता दूं कैसे आपने लेकर चलना होता है। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन होता है। ठीक हो गया, मतलब दूसरे कॉजेस को आप एक्सक्लूड कर देते हैं। 3 टेस्ट आपने कराने होते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, अल्ट्रासाउंड एब्डोमन और तीसरा कोएगुलेशन प्रोफाइल। और ट्रीटमेंट के अंदर ओव्यूलेशन को देखते हैं। अगर एन ओव्यूलेटरी साइकिल है तो आपने देखना है कि सेक्सुअली एक्टिव है या नहीं। अगर सेक्सुअली एक्टिव नहीं है ना, बस ये यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, अगर सेक्सुअली एक्टिव नहीं है तो आपने साइक्लिकल प्रोजेस्टेरोन यूज करना। अगर सेक्सुअली एक्टिव है तो COCP और DMPA से काम चल जाएगा। अगर ओव्यूलेटरी DUB है तो आपने मेडिकल थेरेपी के अंदर एनसेड पेन के लिए देना एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, वही ट्रीटमेंट है जो हम पढ़ेंगे HMB के अंदर। और सर्जरी के अंदर एंडोमेट्रियल एब्लेशन और ऑलमोस्ट वो आ जाएगा, हिस्टरेक्टमी आ जाएगा, सेम ट्रीटमेंट है जो हमने उसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो सबसे पहले आपने देखना कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं किसको। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का मतलब है कि मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस 80 ml से ज्यादा है। 80 ml से ज्यादा है तब हम उसको किसके अंदर इंक्लूड करते हैं? हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ब्लड लॉस ग्रेटर देन 80 ml पर पीरियड। ठीक हो गया, तो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है। अब इसकी टियोलॉजी को देख लेते हैं। टियोलॉजी में निमोनिक उसी को रट्टा मारना है, पाम क्वाइन। ओके, पी से क्या था? पॉलिप था, तो एंडोमेट्रियल पॉलिप आ गया। ए फॉर एडिनोमायोसिस, एडिनोमायोसिस हो गया। एल फॉर लियोमायोमा फाइब्रॉइड हो गया। एम फॉर मेलिग्नेंसी, तो मेलिग्नेंसी के अंदर एंडोमेट्रियल या सर्विकल कार्सिनोमा। सी फॉर कोएगुलेशन डिसऑर्डर लाइक वॉन विलिब्रेन डिजीज। ओके, ओ फॉर ओव्यूलेटरी डिजीज, लेकिन यहाँ पे लिखे हुए नहीं है। ओके, आई फॉर आइट्रोजेनिक लाइक ड्रग की वजह से हो सकता है या इंट्रा यूट्राइन डिवाइसिस की वजह से हो सकता है। ठीक है, और एन फॉर क्या था? एन फॉर नॉट क्लासीफाइड, तो इसके अंदर आप थायरॉइड डिजीज या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसके आपने इटियोलॉजी वगैरह देख लिया, तो एग्जाम में आपको यही पूछा जाएगा। ठीक है, ओके, तो अच्छा यहाँ पे है कि इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद भी अगर कोई पैथोलॉजी ना मिले तो आपने क्या लेबल करना? ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ओरिजन, यानी डिसफंक्शनल को कहते हैं। तो इसमें होता ये है कि इसमें एंडोमेट्रियल प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन डिसऑर्डर्ड हो जाती है। ठीक हो गया, ओके, यानी डिसऑर्डर्ड एंडोमेट्रियल वास्कुलर डेवलपमेंट होती है। तो ये आपने चीज़ें नोट कर लेनी है।
अब हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ आपको और कोई सिप्टम मिले, एसोसिएटेड सिप्टम, यानी एसोसिएटेड सिप्टम जो आपको पैथोलॉजी का बताया जा रहा है कि आपको इररेगुलर ब्लीडिंग मिलती है, आईएमबी पीसीबी मिलता है। मैंने बताया था कि आईएमबी और पीसीबी दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में कॉमन ये है कि सर्विकल प्रॉब्लम में ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा आईएमबी एंडोमेट्रियल में भी आता, तो एंडोमेट्रियल या सर्विकल पोलिप या पोलिप जहीं भी आ जाना तो आपने आईएमबी का रट्टा मार लेना है, ठीक हो गया, पीसीबी का भी। इसके अलावा अगर एक्सेसिव ब्रूजिंग या ब्लीडिंग होती है तो आपने कोएगुलेशन डिसऑर्डर का रट्टा मार लेना होता है, ठीक है, जो कि अनएक्सप्लेन के अंदर आते हैं। लाइक इसके अलावा अगर यूरल विजाइनल डिस्चार्ज है तो पीआईडी आ जाएगा, अगर यूरिनरी सिप्टम है, एब्डोमिनल मास है या एब्डोमिनल फुलनेस है तो फाइब्रॉइड का प्रेशर आ जाएगा, अगर वेट में चेंज है, स्किन के चेंजेस है या फटीग है तो आपने थायराइड डिसऑर्डर को याद रखना होता है, क्लियर। तो ये चीज़ें आ जाएगी। अब इसकी नेक्स्ट है कि इवेल्युएशन कैसे करेंगे, इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे और ट्रीट कैसे करेंगे, ठीक हो गया। तो इन्वेस्टिगेशन को पहले देख लेते हैं, इवेल्युएशन को मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, या फिर पहले इवेल्युएशन कर लेते हैं, क्योंकि हिस्ट्री इवेल्युएशन वाला टॉपिक ना यहाँ पर कहते हैं कि चैप्टर नंबर 2 में लिखा हुआ है, जो आपने हिस्ट्री के पॉइंट्स वगैरह पूछने होते हैं। लाइक हम चले जाते हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर, ओके। तो हाउ टू डिटरमिन, तो आपने क्या क्या पॉइंट्स पूछने होते हैं हिस्ट्री के अंदर। नंबर 1, ब्लीडिंग मोर है या कम है, पहले से ज़्यादा है पहले से कम है, क्या आप क्या यूज़ करते थे, टैम्पोन, टॉवल्स या दोनों यूज़ करते थे, कितना ज़्यादा शॉक होता था, सैनिटरी पैड, कोई क्लॉट तो नहीं था, यानी हिस्ट्री है, ठीक है, ओके। क्या ये आपके दूसरे कपड़ों को ख़राब तो नहीं करती थी, लाइक पैंट्स वगैरह को ख़राब तो नहीं करती थी, क्लॉथ्स या बेडिंग को, ठीक हो गया। क्या आपको इस ब्लीडिंग की वजह से कोई छुट्टी वगैरह तो नहीं लेनी पड़ जाती थी, या फिर ऐसा था कि आपको अपने घर पे कन्फाइंड होना पड़ता था इस ब्लीडिंग की वजह से, या फिर इस ब्लीडिंग की वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिजीनेस हो जाती है, या फिर ये आपकी लाइफ स्टाइल को कॉन्स्ट्रेन कर देती है। तो ये इवेल्युएशन के, हिस्ट्री इवेल्युएशन के पॉइंट्स, एग्जामिनेशन के पॉइंट्स है। फिर इन्वेस्टिगेशन में आ जाती है, इन्वेस्टिगेशन में आपने क्या क्या कराना होता है, आपने FBC या CBC आप करवा लेते हो, ठीक हो गया, सीरम फेरेटिन आपने नहीं करवाना होता है। इसके अलावा कोएगुलेशन स्क्रीनिंग कराओगे उस केस में अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है कोएगुलेशन डिफेक्ट की। नंबर 3, हार्मोनल टेस्टिंग है, हार्मोनल टेस्टिंग में LH, FSH, TSH, TFT और टेस्टोस्टेरोन आ जाता है। इसके बाद पेल्विक अल्ट्रासाउंड स्कैन करा लोगे फॉर हिस्टोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटी, लाइक पीसीबी को देखने के लिए, आईएमबी, पीसीबी, आईएमबी आपको मिलते हैं पॉलिप्स के अंदर, पेन या प्रेशर सिप्टम देखने को मिलते हैं फाइब्रॉइड के अंदर, ठीक हो गया। इसके अलावा वेजाइनल एंडो सर्विकल स्वैब है या एंडोमेट्रियल बायोप्सी है उस केस में करेंगे अगर रिस्क फैक्टर मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल एज है या ट्रीटमेंट फेलियर है फॉर एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी, ओके, ठीक हो गया। थायराइड का फंक्शन वगैरह करा लेगा क्योंकि थायराइड डिसऑर्डर है। और लास्ट में हम कराएंगे आउट पेशेंट हिस्टीरोस्कोपी, अब इसकी भी डिफरेंट इंडिकेशन लिखी हुई है। अब ये लिखी है कि जब बायोप्सी फेल हो जाती है, बायोप्सी इनसफिशेंट होती है या अल्ट्रासाउंड इनकनक्लूसिव होता है, आपको ये आपको एबनॉर्मैलिटी मिलती है जिसको आपने कंफर्म करना होता है हिस्टीरोस्कोपी के अंदर, ठीक हो गया, ओके। इसके अलावा सर्विस को डायलेट भी करना होता है टू एंटर द कैविटी या फिर हिस्टीरोस्कोपी वगैरह। बस ये आपने इन्वेस्टिगेशन देख लेना कि CBC आ जाएगा, कोएगुलेशन टेस्टिंग आ जाएगा, हार्मोनल टेस्टिंग, अल्ट्रासाउंड स्कैन, एंडोमेट्रियल बायोप्सी, थायराइड फंक्शन और इसके अलावा आउट पेशेंट आ जाएगा, आपके हिस्टीरोस्कोपी आ जाएगा, ठीक है। अब रोल ऑफ एंडोमेट्रियल बायोप्सी, अब एंडोमेट्रियल बायोप्सी का क्या रोल होता है, या फिर आउट पेशेंट हिस्टीरोस्कोपी का क्या रोल होता है, या कब इंडिकेट कराते होते हैं, तो कब इंडिकेट कराना, जब पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग रट्टा मार लो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के अंदर आती होती है। इसके अलावा वुल्वर कार्सिनोमा के अंदर भी आती है, एंडोमेट्रियल थिकनेस 4 मिलीमीटर से ज्यादा है या एज 45 से ज्यादा है, या फिर आईएमबी है, वही आईएमबी पीसीबी वगैरह या ट्रीटमेंट फेलियर है, या कोई एबिलेटिव टेक्निक से पहले हम ये करवा लेते होते हैं एंडोमेट्रियल बायोप्सी। उसके बाद मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के अंदर आपने मेडिकल थेरेपी आ जाती है और उसके अलावा आपकी सर्जिकल थेरेपी आ जाती है, और उसकी मैनेजमेंट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है जो हमने पढ़नी है फाइब्रॉइड के अंदर, ठीक हो गया। एंडोमेट्रियोसिस के अंदर भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम मैनेजमेंट होती है। तो उसकी मैनेजमेंट के अंदर क्या है, नंबर 1, LNG IUS सिस्टम, मेरीना आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो पहला हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ओके। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे कॉन्ट्रासेप्शन वाले चैप्टर के अंदर। तो नंबर 2, ट्रैनेक्सैमिक एसिड है, जो कि एंटी फिब्रिनोलिटिक एजेंट होता है, जो कि ब्लड लॉस को कम कर देता होता है। इसके अलावा मेफिनामिक एसिड है, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को कम कर देता होता है। नंबर 4 है नोरएथिस्टेरोन, हम यूज़ कर सकते हैं GnRH, ओके, GnRH एनालॉग्स हम यूज़ कर सकते होते हैं, जो कि क्या करेंगे, ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। जो नोरएथिस्टेरोन है ना, ये प्रोजेस्टिरोन है, ठीक है, ओके। इसके बाद सर्जरी के अंदर क्या है, सर्जरी में अगर फाइब्रॉइड है, फाइब्रॉइड तो फाइब्रॉइड को ठीक करने के लिए हिस्ट्रेक्टमी कर सकते हैं, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन है, मायोमेक्ट्रीमी है या ट्रांस सर्विकल रिसेक्शन ऑफ फाइब्रॉइड, तो ये भी फाइब्रॉइड है, ये भी फाइब्रॉइड का, ये चारों फाइब्रॉइड के लिखे हुए हैं। इसके अलावा आप क्या करा सकते हो, एंडोमेट्रियल एबलेशन करवा सकते हो, किस केस में, एंडोमेट्रियल पॉलिप के केस में, ठीक है। अगर एंडोमेट्रियल पॉलिप है तो एंडोमेट्रियल एबलेशन करा सकते हो, या फिर आप पॉलीपेक्टोमी करा सकते हो, या सर्जरी करा सकते हो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की, बस आपने अंडरलाइन उसको आपने ठीक करना होता है, क्लियर।
तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। तो वैसे ये मैनेजमेंट यहाँ पे लिखी हुई अच्छे से, एलएनजी आईओएस यूज़ करना, ट्रानेक्सामिक एसिड, मैफिनामिक एसिड, सीओसीपी, प्रोजेस्टोजन आ गया, एंडोमेट्रियल एब्लेशन आ गया, स्टीरोस्कोपी, यूट्राइन आर्टरी इम्बोलाइजेशन फॉर फाइब्रॉइड है। और अगर कोई पेशेंट एक्यूट एचएमबी का पेशेंट है तो आपने उसकी मैनेजमेंट क्या करनी है, एडमिट करना है, नंबर टू पेल्विक एग्जामिनेशन करना है, फिर आपने इसकी इन्वेस्टिगेशन करानी होती है, आईवी लाइन का एक्सेस करवाना, फिर ऑलमोस्ट वही टेस्ट है, ट्रानेक्सामिक एसिड देना, आपने टीवीयूएस आप करवाओगे, ठीक हो गया, हाई डोज प्रोजेस्टोजन दोगे ब्लीडिंग को रोकने के लिए, जीएनआरएल या स्पम यूज करोगे, उलिप्रिस्टल एसीटेट, और लास्ट में आप क्या करोगे, ट्रीटमेंट प्लान करोगे जब डायग्नोसिस बन जाएगा। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यही चीज़ है इसके अंदर। ओके, तो हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा डिसमेनोरिया वाला टॉपिक है। डिसमेनोरिया वाले टॉपिक के अंदर क्या होता है, डिसमेनोरिया दो टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। डिसमेनोरिया क्या होता है, पेनफुल मेंसेस होती है, तो ये प्राइमरी होता है। प्राइमरी में क्या होगा, पेन होगा, पेनफुल पीरियड्स होंगे सिंस द ऑनसेट ऑफ मेनार्की, जब मेनार्की से स्टार्ट हो रही हो, कोई पैथोलॉजी की वजह से नहीं होता, और ये इंप्रूव हो जाता है। जो सेकेंडरी वाला होता है ना, ये पेनफुल पीरियड्स होते हैं जो कि सेकेंडरी कॉजेज की वजह से डेवलप होते हैं। तो जो प्राइमरी है इसमें पेनफुल पीरियड्स इन द ऑनसेट ऑफ मेनार्की, ये फ्लशिंग नोजिया होगा जिसमें पेनफुल पीरियड डेवलप ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम। तो कॉजेज ऑफ सेकेंडरी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके कॉजेज के अंदर क्या है, एंडोमेट्रियोसिस आपने रट्टा मार लेना, एंडिनोमायोसिस है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। ओके, इसके अलावा सर्विकल स्टीनोसिस और हिमाटोमीट्रा ये भी हो सकता होता है। ओके, तो आपको याद होने में मसला हो रहा हो, याद करने में मसला हो रहा हो, तो निमोनिक है, पीच, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, सर्विकल स्टेनोसिस और हिमाटोबेट्रा। ओके, तो ये ऑलमोस्ट हो जाएगा। बाकी ट्रीटमेंट के अंदर आ जाते हैं, ट्रीटमेंट से पहले आपने डायग्नोस कैसे करना होता है, इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करानी होती है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपने विजाइनल एंडोसर्विकल स्वैब है, ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासोनोग्राम है जिसमें एडिनोमायोसिस या एंडोमेट्रियोसिस का पता लग जाएगा, डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी, वन सेकेंड स्कैंड्री के अंदर एंडोमेट्रियोसिस के केस में आपको देखने को मिल सकती होती है। और मैनेजमेंट के अंदर क्या है, मैनेजमेंट को आपने दो में डिवाइड करना होता है, जनरल मैनेजमेंट और इसके अलावा आपकी हो जाती है स्पेसिफिक हो जाती है, लेकिन हम स्पेसिफिक के बारे में बात करते हैं। मेडिकल थेरेपी के अंदर एनसेड यूज़ करना है, इसके अलावा सीओसीपी आपने यूज़ करना होता है, एलएनजी आईयूएस आपने यूज़ करना है, लाइफ स्टाइल चेंजेस है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एंडोमेट्रियोसिस की मैनेजमेंट सारी लिखी हुई है यहाँ पर, हीट अप्लाई, हीट एप्लीकेशन है, जीएनआरएच एनालॉग्स, इसके अलावा सर्जरी आपने करनी होती है। ओके, एडिसियोलाइसिस के लिए या एंडोमेट्रियोसिस के लिए, लाइक आपने उसको ड्रेनेज करना होता है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये कवर हो चुका है। सर्जरी में क्या होता है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी मेनली होती है। ओके, ठीक हो गया। ओके, तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा।